Hello students, how are you? I hope you are doing well and enjoying your studies. My name is Enjo, your backup teacher, and you are watching my channel Organjo Chem. Let's start our interaction. Hello students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ES रिएक्शन और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन पार्ट फर्स्ट. मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन है और इस बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यानी मिक्सचर ऑफ एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो बेंजीन का एक एच रिप्लेस होकर उसकी जगह पर NO2 ग्रुप आ जाता है. ठीक है, यानी नाइट्रोबेंजीन जो होगा वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है. अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो इस रिएक्शन में बेसिकली दो तरह के एसिड यूज हो रहे हैं. जो H2SO4 होता है उसकी pKa वैल्यू जो होती है लगभग -2 के आसपास होती है, और जो HNO3 होता है उसकी pKa वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट -1.3 के आसपास होती है. यानी इस रिएक्शन में जो H2SO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है. ठीक है, यानी H2SO4 का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस रिएक्शन में एसिड का काम करेगा, एक्ट एज ए एसिड. ये क्या करेगा, एक एच पॉजिटिव को रिलीज कर देगा और साथ में HSO4 नेगेटिव बन जाएगा. करेक्ट है. अब ये जो H पॉजिटिव ने रिलीज करा ये रिएक्ट करेगा HNO3 से, यानी इस रिएक्शन में जो HNO3 होगा वो बेस की तरह काम करेगा. ठीक है, इसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा. और HNO3 का इस H पॉजिटिव के कारण क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, जिससे हमारे पास प्रोटोनेटेड HNO3 बन जाएगा. अब ये प्रोटोनेटेड HNO3 अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा. ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के कारण हमारे पास नाइट्रोनियम आयन क्या बन जाएगा, हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा जो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा. ओके, अब ये नाइट्रोनियम आयन क्या करता है, बेंजीन पर अटैक करेगा, यानी बेंजीन इसमें न्यूक्लोफाइल की तरह काम करेगी और नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा. इन दोनों की रिएक्शन होने के कारण फर्स्ट स्टेप में जो RDA स्टेप होगा एक कंजुगेटिव कार्बोकैटायन बनेगा. यानी ये स्टेप RDS होगा और स्लो स्टेप होगा. ये जो कार्बोकैटायन बना है ये रिएक्शन का सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेगा. अगले स्टेप में एच पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा जिससे रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी. और ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा और नाइट्रोबेंजीन मेजर बन जाएगा. अगर हम CH बॉन्ड की बात करें, यानी जो CH बॉन्ड जो है इस रिएक्शन में सेकेंड स्टेप में ब्रेक हुआ है. ठीक है, और सेकेंड स्टेप जो क्या था, RDS नहीं था और फास्ट स्टेप था. यानी इस रिएक्शन में जो KIE जो होगा यानी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एब्सेंट होगा. जैसे C6H6 का नाइट्रेशन करें और C6D6 का नाइट्रेशन करें तो इसकी जो रेट आएगी वो लगभग बराबर आएगी, यानी K1 और K2 अप्रोक्स इक्वल होगा. यानी KH बाई KD की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स 1 की इक्वल आएगी. ठीक है, अगर हम जो दूसरी ES रिएक्शन की बात करें तो जो रेट होती है इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है, अगर इन दो कंपाउंड को देखो, इन दो रिएक्शन में जो रेट आएगी वो K2 की ज्यादा आएगी, क्योंकि जो टॉलविन जो होगा उसमें मिथाइल ग्रुप के प्लस H के कारण सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और ये जो होगा RDS स्टेप में बनेगा और ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होगा. ठीक है, अगर हम रिएक्शन में केवल HNO3 यूज करें यानी H2SO4 हम यूज ना करें तब नाइट्रेशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, जो HNO3 होगा वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा और NO3 नेगेटिव बन जाएगा. यानी इसमें HNO3 का एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम आया.
अब ये एच पॉजिटिव HNO3 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी इसमें HNO3 का दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये प्रोटोनेशन स्टेप जो होगा ये फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। और रिएक्शन के अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये इस रिएक्शन का RDS स्टेप होगा, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये RDS स्टेप हुआ। तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या हुई, यानी इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जो एरोमेटिक सिस्टम है, यानी हम बेंजीन यूज करें या टॉलुइन यूज करें, उसका इस नाइट्रेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कब इंपैक्ट नहीं आएगा, जब हम केवल HNO3 यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो था वो RDS स्टेप में नहीं बना, ठीक है। will be not affected by stability of sigma complex, क्योंकि इस रिएक्शन में जो नाइट्रोनियम आयन बनना है वो RDS स्टेप है, यानी हम बेंजीन का नाइट्रेशन अगर कंसेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाएं और रेट कॉन्स्टेंट K1 हो, या फिर हम टोलवीन का नाइट्रेशन जो है वो कंसेंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाएं, रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास K2 हो, ठीक है, तो रेट जो आएगी इन दोनों ही केस में इक्वल आएगी, यानी K1 इक्वल टू K2। अब देखिए इस में बेंजीन का नाइट्रेशन, दोनों तरह के रिएजेंट हमने यूज करे हैं, तो इसमें जो रेट आएगी वो K1 की ज्यादा आएगी, यानी मिक्सचर ऑफ एसिड के वक्त रेट जो आएगी ज्यादा आएगी। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, जब हम कंसेंट्रेट HNO3 और कंसेंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं तो इसमें HNO3 का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो बेस की तरह काम करेगा और H2SO4 का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो एसिड की तरह काम करेगा। इस कारण से ये रिएक्शन जो है फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, यानी मिक्सचर ऑफ एसिड से नाइट्रेशन फास्ट होगा। अगर हम केवल डायल्यूट HNO3 यूज करें तो डायल्यूट HNO3 जो होगा इससे नाइट्रेशन करने के लिए जो एरोमेटिक रिंग होगी वो एक्टिवेटेड होनी चाहिए, यानी बेंजीन जैसी रिंग का डायल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए हम फिनोल की बात करते हैं, फिनोल में OH का प्लस M के कारण ये एक्टिवेटेड रिंग होगी, और जब फिनोल का नाइट्रेशन हम डायल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करते हैं तो इससे एक इंटरमीडिएट बनता है, यानी डायल्यूट HNO3 से एक इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम नाइट्रोसोनियम इंटरमीडिएट कहते हैं, जो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रोसो ग्रुप आ जाता है, और अगेन इसकी रिएक्शन जब डायल्यूट HNO3 से होती है तभी नाइट्रोसो ग्रुप जो होता है वो नाइट्रो में चेंज हो जाता है और ये हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, और इसी तरह इसका पैरा प्रोडक्ट बन सकता है। इसमें ऑर्थो में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी OH और NO2 के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो ऑर्थो आइसोमर है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, यानी ऑर्थो जो होगा वो पैरा से ज्यादा बनेगा, ओके स्टूडेंट्स। और इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होता है वो HNO2 बनता है, यानी साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, साइड प्रोडक्ट हमारे पास बना नाइट्रस एसिड, ठीक है, ये हमारे पास बन गया साइड प्रोडक्ट। अब ये जो नाइट्रस एसिड है, यानी जो HNO2 जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, ये स्टेप रिवर्सिबल होता है और इसमें नाइट्रोसोनियम इंटरमीडिएट बनता है, नाइट्रोसोनियम इंटरमीडिएट बनता है और साथ में बन जाएगा हमारे पास H3O पॉजिटिव एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO3 नेगेटिव। तो इससे हुआ क्या, इससे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
HNO2 जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो नाइट्रोसोनियम आयन है उसकी कंसेंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि बार बार HNO2 जो बनेगा वो HNO3 से रिएक्ट करेगा और नाइट्रोसोनियम आयन की फॉर्मेशन जो है या सिंथेसिस जो है बढ़ता जाएगा। इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाइट्रेशन के लिए हम कई सारे और रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 में HNO3 और एसिडिक एनहाइड्रेट यूज कर सकते हैं। जो HNO3 और एसिडिक एनहाइड्रेट जो होता है ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और इसकी रिएक्शन के कारण जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, तो देखो ये हमारे पास एसिडिक एनहाइड्रेट था, इसकी HNO3 से रिएक्शन हो गई और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना इसे हम एसाइल नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है, और इसमें एसिडिक एसिड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसी तरह एसिडिक एसिड एंड HNO3 के मिक्सचर को भी यूज कर सकते हैं। जब एसिडिक एसिड और HNO3 जो होगा वो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो इससे भी हमको सेम इंटरमीडिएट बनेगा, यानी इससे भी हमको सेम एसाइल नाइट्रेट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास बन गया एसाइल नाइट्रेट, ठीक है। नंबर थर्ड में हम N2O5 नाइट्रिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। जो N2O5 होगा वो ब्रेक होकर हमको NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव बनाएगा और इसमें हमारे पास NO2 पॉजिटिव जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। नंबर फोर्थ में नाइट्रेशन के लिए हम कई तरह के सॉल्ट यूज कर सकते हैं, जैसे NO2 पॉजिटिव एंड BF4 मिक्सचर, और इसी तरह NO2F एंड BF3 मिक्सचर, या फिर हम ले सकते हैं इसमें NO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव मिक्सचर, ठीक है। यानी ये जो नाइट्रेशन के लिए हम ये डिफरेंट सॉल्ट यूज कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ए रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे और इसमें हम नाइट्रेशन रिएक्शन का लास्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, लेट्स पॉज आवर इंटरेक्शन एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।